सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आप लोगों ने मेरा लास्ट टाइम का ओडीसी का वीडियो देख ही लिया रहेगा। तो अभी अपन आ चुके हैं ओडीसी राइज इलेक्ट्रो वसई में, जिसका एड्रेस एंड डिटेल्स वगैरह सब मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो भी डाउट्स रहेगा ना, वो आप इनसे कॉन्टेक्ट करके पूछ लेना। जो भी वीडियो में मिस हो गया रहेगा, जो भी रहेगा, लास्ट टाइम आप लोगों ने प्राइसिंग वगैरह के रिलेटेड, क्योंकि प्राइसिंग वगैरह ना ऊपर नीचे होते रहती है, तो हम कुछ लाइक फिक्स नहीं बोल सकते, आसपास जो आता है वही बोल सकते हैं। बट लेट्स सी जो बाइक का वीडियो है ना इन 2023 कैसा रहेगा, वो आपके लिए मैं लेके आऊंगा, तो वेट जरूर करना। तो चलो देखते हैं। सबसे पहली स्कूटी अपने पास जो है वो है हॉक प्लस, जो अपन आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। हॉक में दो मॉडल आते हैं, एक तो एक हॉक है नॉर्मल जो आती है, और एक हॉक प्लस आती है। राइड करके देखेंगे और राइड में सब बताऊंगा आपको। मिल रहा है, हैलोजन लाइट का सेटअप है। यहाँ पे भी आपको एलईडीज देखने मिलता है, ये जो है वो साइड इंडिकेटर्स भी हैलोजन देखने मिलता है, कुछ ऐसा पीछे भी हैलोजन ही देखने मिलता है, साइड इंडिकेटर भी पीछे हैलोजन से मिलते हैं। उसमें आपको ब्लूटूथ भी मिलता है, बैटरी भी बताता है इसमें। आप इसको दोनों तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, वायरलेस एंट्री है उससे, या फिर चावी लगा के ऐसे कुछ, अपन चावी से डाल रहे वैसे, तो चावी ऐसे ऑन ऑफ करोगे तो स्पीडोमीटर कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को। यहाँ पे अलग अलग मोड्स है जो आप लोग लाइक सेट कर सकते हो। तो ये फर्स्ट मोड एंड सेकंड मोड है, दो मोड मिलते हैं इसके अंदर। ये लेफ्ट राइट मारने के लिए आपको मिलता है, ये अपर डिपर है, ये हॉर्न है, हॉर्न का आवाज भी बढ़िया है, दोनों साइड हॉर्न मिलते हैं। ये लाइट के लिए है, ठीक है। तो अभी अपन राइड करके देखते हैं, फिलहाल फर्स्ट मोड पे है। ओ, इसका पिकअप है थोड़ा, और राइड करते हो ना तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा छोटा सा आवाज आता है ऐसा वो करके। अभी बम्पर आया, देखो ब्रेकिंग का तो बाइट बहुत मस्त है, बट पिकअप में थोड़ा है गड़बड़ होता है, उठती है गाड़ी डायरेक्ट। अभी ये देखो मैंने बम्पर से उठाने को ट्राई किया, हाँ इसको थोड़ा प्रिसाइज देना पड़ता है एक्सेलेरेटर, लाइक इसको अभी सेकंड मोड पे डाला और गाड़ी में थोड़ा सा पावर ज्यादा फील होता है, पिकअप थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये इसका जो हाथ का जो गैप है ना, वो बहुत घुमाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। अभी डालेंगे सेकंड मोड पे। अब ये फर्स्ट मोड पे कितना टॉप स्पीड है पहले वो देख लेते हैं। तो ये फिलहाल अपन फर्स्ट मोड पे है, देखो 33 गई है, 34 गई है, 35, 36, 36 पे क्रूज कर रही है गाड़ी फुल, 37 पे गई गाड़ी। सो 40 के आसपास आप लोग पकड़ के चल सकते हो कि ये गाड़ी 40 के आसपास फर्स्ट मोड पे चली जाएगी आराम से, कुछ इशू नहीं होगा। और ब्रेकिंग वगैरह भी बढ़िया है इसका यार, गाड़ी रुकती है तुरंत। अभी मेरे साथ एक पिलियन बैठा हुआ है जिसका वेट आसपास होगा 40 केजीस। लेट्स सी, फर्स्ट गियर पे अपन फुल क्रूज डालते हैं, देखते हैं। फुल थ्रॉटल डाल दिया है मैंने वैसे, देखते फुल थ्रॉटल पे कितना जाती है ये गाड़ी। 30-35 मेंटेन करके रखा है, 36 आ गया है। तो चलो अभी दूसरा मोड स्टार्ट करते हैं इसका। तो अभी ऑलमोस्ट मैंने रुका दिया गाड़ी को, ऑलमोस्ट 10 के आसपास है, और ये पिक बहुत ही बढ़िया था इसका। अभी फुल थ्रॉटल दे दिया है मैंने और गाड़ी ने बहुत ही कम टाइम में 20 के ऊपर दे दिया, 38-39-40 गया गाड़ी। 40 प्लस की स्पीड आपको मिल रही है फिलहाल, 44 विथ पिलियन है ये, 44 पे जा रही है। कंपनी ने क्लेम किया था कि 50 जाती है, बट अगर आप वेट डालते हो तो ऑब्वियसली इस पे फर्क पड़ेगा स्पीड पे। देखो 45 पे चल रही है गाड़ी अभी फिलहाल, आप तो देख सकते हो। कमर्शियल पर्पज के लिए सर डिलीवरी करना हो गया, या फिर सिर्फ सिटी में राइड करना है, ज्यादा किलोमीटर दूर जाना है नहीं, तो ये गाड़ी उस लोग के लिए परफेक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो 45 पे क्रूज कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल, जैसे मैंने एक्सेलेरेटर छोड़ा ना गाड़ी फुल जाती है यार, सीधा सीधा चले जाती है। देखो ना यार, मैं एक्सेलेरेटर भी नहीं दे रहा हूं, और गाड़ी का स्पीड देखो अभी 40 था, और देखो ब्रेक्स क्या लग रहे हैं इसके भाई। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको राइड करने में प्रॉब्लम होगा, मतलब जो आदत नहीं होता है ना ऐसा इतना जोर का पिकअप हो, या प्रिसाइज एक्सेलेरेटर पे हाथ नहीं बैठता जल्दी, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। ये गाड़ी को चला नहीं रहेगी तो इलेक्ट्रिक स्कूटीज वगैरह हो गए, तो दूसरे भी स्कूटीज ट्राई करेंगे अपन, देखेंगे कि दूसरे में भी ऐसा होता है कि नहीं, कि ये एक इशू है कि नहीं, वो भी पता करेंगे। अगर कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो यार पीछे वाले पिलियन को भी बहुत कम्फर्ट फील होता है, और बैक रेस्ट की वजह से तो भाई अलग लेवल पे उन लोगों को कम्फर्ट मिल जाता है। और राइडर के रिलेटेड
जो कंसर्न रहता है कंफर्ट का वो भी बढ़िया है, बोलते ना लेग स्पेस जो रहता है ना वो लेग स्पेस भी बढ़िया मिल जाता है, प्रॉपर स्पेस मिल जाती है पैर रखने के लिए भी। बात करूं ओवरऑल राइड क्वालिटी की तो यार राइड क्वालिटी मस्त है, 40-50 पे भी आपको लाइक फील नहीं होगा कि यार गाड़ी रफ जा रही है या फिर वाइब्रेशन हो रहा है, ऐसा कुछ तो है ही नहीं इसमें। वाइब्रेशन तो नाम भी नहीं है भाई इसमें, जरा भी वाइब्रेशन नहीं है, मतलब बहुत शांत जाती गाड़ी। वो भी एक है कि यार गाड़ी में आवाज रहना चाहिए ताकि दूसरों को भी पता चले आसपास गाड़ी आ रही है जा रही है, बट यार इतना स्मूथ जा रही ना है गाड़ी, मतलब क्या ही बोलूं। अभी मेरे साथ पिलियन बैठा हुआ है फिलहाल और ये गाड़ी जाती है 47। ओह ये तू यहाँ पे रुकना, मैं तेरे को लेने आता हूँ। तो अभी इसका टॉप स्पीड ट्राई करते हैं, अभी फर्स्ट मोड पे है 34 और सेकेंड मोड पे है 40, 42, 45 चले जाती है गाड़ी। वैसे तो फटाफट पहुंच गए 45, पहले से तो बेटर। 45 पे क्रूज करना भी अच्छा लग रहा है ऐसा, गाड़ी पे झटके वगैरह भी नहीं है, सस्पेंशन भी बढ़िया चल रहा है, 46 का चल रहा है आंकड़ा। और अभी आप चला रहे हो फर्स्ट मोड पे और गाड़ी जा रही है 37। जैसे आप तुरंत ना फुल एक्सेलरेटर दे के अगर ये मोड को स्विच करो ना तो गाड़ी तुरंत पिक लेती है, देखो 39, 40 क्रॉस करती है तुरंत। और जैसे ही मैं इसको कट करूंगा 1 पे ना गाड़ी तुरंत रुक जाती है थोड़ा सा, मतलब स्पीड स्लो कर देती है और पावर डिफरेंस आप लोगों को फील होता है यहाँ पे। अगर आपको क्रूज वगैरह करना हो तो 40 की स्पीड से आप सिटी में ज़्यादा कितना ही भगा लोगे, वैसे भी बम्पर आ जाते हैं 2 मिनट बाद, तो 40 की स्पीड के हिसाब से ठीक है, बढ़िया है, ज़्यादा स्लो भी फील नहीं होती और ज़्यादा फास्ट आप भगा भी नहीं पाओगे इससे, तो बढ़िया रिजल्ट है इसका मेरे हिसाब से। अगर देखा जाएगा तो ये गाड़ी को आप सिटी में चलाना चाहते हो और बोलते ना कि यार आपको भगाना नहीं है, रश ड्राइविंग नहीं करना है, आराम से जाना है, तो भी ये गाड़ी बढ़िया चल जाती है। वैसे तो बहुत ही मस्त जा रही है, देखो एक्सीलरेटर भी नहीं दे रहा फिर भी गाड़ी फुल 47 पे भागे जा रही है, क्रूज करती है गाड़ी 47 पे। वैसे अगर आप यूज टू हो गए ना इस स्कूटी से तो बढ़िया चलेगा। सो अपन आ गए वापस राइड्स इलेक्ट्रो, जिन्होंने हमें ये गाड़ी अवेलेबल की है। और एक बात बता दूं, अगर आप स्टैंड ऑन रखते हो और गाड़ी ऑन करते हो ना, गाड़ी चलेगी ही नहीं। वैसे साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाते हैं, तो ये भी एक सेफ्टी पर्पस फीचर दिया हुआ है इसमें। सो ये थी सारी बातें ओडीसी हॉक प्लस को लेकर। तो अगर आपको पसंद आया रहेगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप वॉचिंग।